नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। आज हम हैं वजीरपुर की गलियों में, जो कि है एक इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की तादाद में एलिजिबल वोटर्स हैं, वो यहाँ पर सहपरिवार रहते हैं इन छोटी छोटी गलियों में जो एक रेलवे लाइन के साथ में बसी हुई हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर करीब में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर काम करते हैं, और वहाँ पर वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं आइए देखते हैं। मेरा नाम लाल जड़ी है और मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। मालिक ने क्या देते हैं, 6,000 से तनख्वाह बेसी नहीं देते हैं और 8 घंटा काम करवाते हैं और एक को क्षण बैठने नहीं देते हैं। मालिक काम करो और दिहाड़ी क्या मिलता है, 5,000-6,000 तनख्वाह मिलता है। 6,000-5,000 से घर नहीं चल सकता है। उसी में बच्चे पढ़ाएंगे कि खुराकी देंगे कि खाना खाएंगे, उसी में हाथ भी कट गया, 1 रुपया भी नहीं दिया मेरा। पानी नहीं से बिस्तर मिल रहा है, 6-7 महीना पानी ना मिलत रहे, पानी भी नहीं मिलत, जाम से पानी भी नहीं मिल, त्यौहार आता तो पानी काट के भगा देते है। सुविस्ता का के कुछ भी के नहीं है, सुविस्ता जुग में सब अपने अपने नेता लग से बिस्तर देख रही है, पब्लिक से बिस्तर नहीं देख रही है कि पब्लिक कैसे है। कहाँ सफाई हो रही, देखिए कितनी गंदगी हो रही गली गली में, ना रोड सही से हो रही, ना खुदाई हो रही है, गरीबों की तरफ कोई देखने भी नहीं आता। इलेक्शन के टाइम सब आते हैं, गलत बात है ना। यहाँ बताओ परेशान कितनी होते पानियों के लिए, हर चीज के लिए सफाई सफाई इतनी कुछ भी नहीं है, गली गली सफाई ना, नाली का बच्चे पढ़ने जाते कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ के वर्कर्स छोटी छोटी गलियों में क्रैम्प्ड कमरों में, 6 से ज्यादा लोगों का परिवार छोटे छोटे कमरों में यहाँ पर रह रहा है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी कैंपेन जोर शोरों से कर रही हैं उनके एजेंडा पर फैक्ट्री वर्कर्स के इश्यूज कहीं पर भी फीचर नहीं कर रहे हैं। मिनिमम वेज से लेकर के वर्कर्स की सेफ्टी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है और कम्युनल कैंपेन्स ज़्यादा फ्लेयर अप कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स को उछाल करके वोट उस पर मांगने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, ऐसा हमने आज देखा। यहाँ के स्थितियों बड़ी देखते हैं, जो कि झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, न पानी के साधन न खाने के साधन, बहुत समस्या है, हम लोग की दिक्कत है। अब जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, कभी पानी आएगा कभी नहीं आ सकता है, तो उसके लिए तो हम लोग झल रहे हैं। फैक्ट्रिया में मिलता है हमारी, हम ऑपरेटर हैं, हमको मिलता है 9,000, जो 18,000 तनख्वाह मोदी जी की केजरीवाल जी कर रखे हैं वो नहीं मिल रहा है। 9,000 मिलता है 8 घंटा के हमको मिलता है, मिस्त्री ऑपरेटर में ज़्यादा बोलेंगे तो हमको भगा देंगे। मेरा नाम है आरपी सिंह और वजीरपुर मछली मार्केट का बी ब्लॉक होता है, बी ब्लॉक मछली मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया वजीरपुर दिल्ली 52, ये यहाँ का एड्रेस होता है। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी नाम से एक कॉलोनी है जिसमें 50,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ करके यहाँ कार्य को करते हैं। यहाँ रोलिंग की मशीनें हैं, बर्तन के मशीनें हैं और यही कार्य रहता है। कम से कम 40,000 से 42,000 लोग हैं जो यहाँ वोट डालते हैं, वैसे संख्या मेरी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों के पास आई कार्ड वगैरह है नहीं, जो इलेक्शन में मैंने वो लोग यूज कर पाएँ या रिकॉर्ड में रहें। प्लस में यहाँ जो मजदूरों की स्थिति है बिल्कुल दयनीय है। इस इंडस्ट्रियल में किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं लागू है, न ESI EPF के सवाल पर। बहुत बार हम लोगों ने ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के माध्यम से, ACTU के माध्यम से कितनी बार यहाँ पर हम लोग जागरूकता अभियान चलाए, प्रचार किए, विरोध किए, श्रम कार्यालय का भी विरोध किए, लेकिन किसी प्रकार का निदान नहीं हुआ। प्लस में ये जो महिलाएं हैं यहाँ जो वर्क में जाती हैं, बर्तन साफ करना होता है, प्रेस भी चलाती हैं, और उन्हें भी वेतन 5,000-6,000 से ज़्यादा उनको वेतन आज के टाइम में भी नहीं है, और उनसे सिग्नेचर भी कराया जाता है, सारी चीज़ें लोग करा लेते हैं लेकिन वो न्यूनतम वेतन वाले पेपर पे कराते हैं। और इन कर्मचारियों के साथ मजबूरी होती है कि हमें काम तो चाहिए और हर हाल में हम कम पैसे पे भी काम करने को राजी हो जाते हैं, या कई तरह से बहला फुसला करके ठेकेदारों के माध्यम से भी हम लोगों को काम पर रखा जाता है और हमारे मजदूरों को कोई उचित व्यवस्था नहीं दी जाती है। और रही बात अभी जो ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल बाबू की सरकार है जो अभी चुनाव के दरमियान चल रहा है,
चाहे कोई भी पार्टियां रही हो, यहाँ पर मजदूरों के सवाल पर कभी सामने नहीं आती है।